क्योंकि लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। लक्ष्य यह है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए चले तो विवाद करना शुरू कर दिया, भगवान कहां मिलेंगे। भरत जी के कान में आवाज पहुंची कि पूरा गांव जो है झगड़ा करने के लिए तैयार है, और अगर हम लोग जबरदस्ती करेंगे तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे। भरत जी ने कहा रुक जाओ सर, रुको। अयोध्या के कुछ लोग बोले ये गलत बात है, अरे गंगा पार नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अरे गंगा पार करने में हमारा हक नहीं है क्या, अधिकार नहीं है, हम लोग गंगा पार करेंगे, मान नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा जिद करेंगे तो हम लोग भी युद्ध करेंगे। देखिए आप, अयोध्या के कुछ लोग बोल पड़े हम भी युद्ध करेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। भरत जी ने कहा पहले समझना है परिस्थिति को। उधर से सेना आ रही थी, भरत जी अयोध्या वासियों के सहित जो है गंगा के तट पर खड़े हुए। जैसे ही सेना आगे बढ़ने लगी श्रृंगवेरपुर की, तो एक वृद्ध आ गया। उस वृद्ध ने श्रृंगवेरपुर की सेना को रोका, बोले रुको। इसलिए मैं कहता हूं कि गांव में अगर बूढ़े लोग हैं तो उनका सम्मान भी करो, उनकी बात भी मानो, और उनको सुरक्षित रखो भी। बूढ़े बहुत कीमती होते हैं। हम लोग ये बात अलग है कि साधन के चक्कर में उनकी उपेक्षा करते हैं। किसके चक्कर में? साधन के चक्कर में उनकी उपेक्षा करते हैं और कुछ नहीं है ना। लेकिन नहीं नहीं, वृद्धों का सम्मान करना भी एक साधना है, ये बहुत सरल साधना है ना। अपने से बड़ों का, वृद्धों का सम्मान करें तो ये क्या है, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवन चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बूढ़ों का सम्मान करना एक साधना है। बूढ़ा कहता है रुको, आगे मत बढ़ो, कहां जा रहे हो। श्रृंगवेरपुर की सेना बोली राजा का आदेश हुआ है कि ये जो सेना आ रही है, भरत आ रहे हैं, इनको गंगा पार नहीं होने देना है, ये राम से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पहले भरत से हम युद्ध करेंगे, या तो हम भरत को मारेंगे या भरत के हाथों से हम मरेंगे। जब तक जिंदा है तो जियत न सुर शरी उतरन देव, नहीं उतरने देंगे, गंगा पार नहीं करने देंगे। उस बूढ़े ने कहा मैं राजा से बात करता हूं, तुम लोग अभी रुको, मैं राजा से बात करता हूं। भैया विवाद को समाप्त करने के लिए गांव के बुजुर्गों की अहम भूमिका रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं विवाद की जगह पर वृद्धों का प्रयोग करना चाहिए, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए। ये रामायण का सूत्र है भाई, बहुत सरल बात कह रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा कि मैं राजा से बात करता हूं, मैं भी तो इसी गांव का नागरिक हूं, मैं राजा से बात करता हूं। उस बूढ़े ने निषाद राज से बात की और कहता है राजा साहब कहां जा रही है आपकी सेना। निषाद राज ने कहा कि भरत को रोकने के लिए। आखिर भरत ने ऐसा क्या किया है? बोले पता नहीं है, भरत सेना लेकर के जा रहा है श्री राम जी से युद्ध करने के लिए, चित्रकूट में प्रभु राम है, वहां सेना लेकर जा रहा है युद्ध करने के लिए, इसलिए मैं युद्ध करने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे स्वामी से युद्ध करेगा भरत, इसे राज वैभव मिल गया है तो क्या हुआ। इसका मतलब ये कि ये वैभव के साथ भी जा रहा, सेना के साथ भी जा रहा, प्रभाव भी दिखा रहा है और प्रतिकार भी कर रहा है,
उस बूढ़े ने कहा, एक बात बताओ, पहले संघर्ष होना चाहिए कि पहले संवाद होना चाहिए? नियम यह है कि कहीं कोई भ्रम है तो उस भ्रम के निवारण के लिए संवाद होना चाहिए, यदि संवाद से निस्तारण नहीं होता है तब है विवाद, है ना, तब संघर्ष। लेकिन प्रथम दृष्टिया संघर्ष नहीं, प्रथम दृष्टिया संवाद, बातचीत। घर में भी जितने विवाद बढ़ रहे हैं संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं, पड़ोसों में जो विवाद बढ़ रहे हैं वो संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं, राष्ट्र में भी जो विवाद बढ़ रहे हैं वो संवादहीनता के कारण बढ़ रहे हैं। अर्थात हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पहले क्या करें, संवाद, बातचीत, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप राजा हैं, मैं बूढ़ा हूं आपके गांव का, मैं निवेदन कर सकता हूं क्योंकि प्रजा के रूप में हूं, उम्र भले ही मेरी ज्यादा है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप जो है पहले संवाद करें, मेरा अनुभव कह रहा है। अच्छा, निषाद राज जी ने कहा, ये बताओ आपका अनुभव क्या बोल रहा है? मेरा अनुभव ये कह रहा है कि राम ही भरत मनावन जाही, राम ही भरत मनावन जाही, यही सगुण फल दूषरना। ये मेरा सगुण बोल रहा है कि भरत जी लूटे हुए राम को मनाने जा रहे हैं, वो राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे। अच्छा, बूढ़े ने जो सोचा वो सत्य है कि नहीं? वो सत्य है। इसका मतलब है कि बूढ़े का अनुभव बहुत कम झूठा होता है, सही ज्यादा होता है कि नहीं? सही होता है। मेरी बात मानो, रूठे हुए श्री राम को मनाने जा रहे हैं, वो कभी श्री राम जी से युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो महान संत हैं, उनसे बड़ा आदर्शवादी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप राजा हैं, गांव का विनाश ना हो, गांव का विनाश ना हो। और मैं एक बात और बता रहा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं लेकिन बृहस्पति जी से पूछिए आप, जो देवताओं के गुरु हैं, मैं तो सामान्य बूढ़ा हूं गांव का, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, विवेक है, लेकिन आप देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछिए, भरत संत भी है और भरत राम के भक्त भी है। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन का, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरई। बृहस्पति जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करेगी, राम रोष पावक सो जरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि अभी श्री राम आपसे प्रेम करते हैं, कहीं आप कोप भाजन ना बन जाए श्री राम के, क्योंकि अपराध करने जा रहे हो, राम भक्त पर लाठियां चलाओगे, राम भक्त पर ये बड़ी बड़ी तलवारें चलाओगे, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए पहले तो संवाद करो। निषाद ने सेना को रोका, बोले रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों भाई, समझ में कुछ आया? कितना बड़ा संघर्ष रुक गया एक शब्द से, एक बूढ़े से, उसके अनुभव से। नहीं तो नहीं आता और कहता नहीं, और भय के कारण नहीं कहता तो वो नरसंहार हो ही जाता है।
है ना, आदेश तो दे दिया था कि रोको, नहीं रुकते हैं तो फिर मारो। सावधान, रामायण को रोज पढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये सत्संग इस प्रकार से हमेशा होते रहेंगे, इसमें तो खर्चे बहुत पड़ते हैं ना, बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रामायण को घर में रख सकते हो और इन प्रसंगों को देख सकते हो, उसमें नीचे अर्थ भी लिखे हुए हैं। अंतर इतना है कि विशेष अर्थ हो जाता है व्यासपीठ से, इसलिए जाना भी चाहिए सत्संग में। सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए, अगर सत्संग हो रहा है तो जरूर जाना चाहिए। विशेष अर्थ मिलते हैं, कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, नहीं तो घर में रामायण को पढ़ना चाहिए। हम लोग पेपर पढ़ते हैं और एक पेपर नहीं, कई प्रकार के पेपर, इतने नशेड़ी हो जाते हैं हम लोग पेपर पढ़ने के कि एक पेपर नहीं, स्वदेश भी आना चाहिए, जागरण भी आना चाहिए, फिर हरित भूमि भी आना चाहिए, पलाना ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। क्यों भाई, इसका मतलब है बहुत नशा है। चाय भी पीते जाएंगे और पेपर भी पढ़ते जाएंगे हैं, और बड़े चाव से पढ़ेंगे। एक सज्जन तो मुझसे कह रहे थे, महाराज मैं पढ़ता नहीं हूँ, पेपर को चाटता हूँ। स्पष्ट शब्द थे उनके, बोले मैं पढ़ता अड़ता थोड़ी हूँ, फिर मैं तो चाटता हूँ। हमने कहा वाह, उसमें चाशनी लगी है क्या, कि शहद लगी है, क्या लगा है उसमें? चाटने का मतलब है कि एक भी शब्द छोड़ता नहीं हूं, प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक सब कुछ पढ़ता हूं। लगभग सारे पेपर पढ़ने में मुझे लगता है कि आधा घंटे से कम तो नहीं लगता होगा। एक पेपर को आप पढ़ेंगे सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो 5-7 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, है नहीं? परंतु 5-7 पेपर पढ़ना है तो लगभग 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मिला क्या पेपर से? जगत संबंधी समाचार। बोलो भाई, इत्तेफाक से किसी पत्रकार ने कथा का भी दे दिया कि अमुक जगह कथा हो रही है, फलाने वक्ता बोल रहे हैं उन्होंने, और बहुत छोटा सा वो रहता है, क्यों भाई, लेख रहता है, बहुत छोटा लेख रहता है, कथा भागवत आदि का, उन्होंने रामचरित पर व्याख्या की, उन्होंने कृष्णचरित पर व्याख्या की, फिर ये हुआ भाई, इतना कह कर इतने लोग उपस्थिति, जितने लोग संभ्रांत पहुंच जाते हैं उनके नामों की लिस्ट ज्यादा बड़ी हो जाती है। फलाने थे वहां उपस्थित थे, ये भी मौजूद थे, वो भी मौजूद थे, वो पता नहीं क्या क्या लिख मारते हैं। क्या मिला? मिला है जगत संबंधी समाचार। वो समाचार जगत से संबंधित है, नश्वर है। क्या है? नश्वर है। नश्वर नहीं होता वो समाचार तो पढ़ने के बाद उसका नाम रद्दी पड़ जाता है। पढ़ने के बाद पेपर का नाम क्या है? रद्दी। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या? जब तक पढ़ा नहीं है तब तक वो पेपर है, और पढ़ने के बाद फिर आप कहते रद्दी है, उधर डाल दो। क्या है ये? रद्दी। पढ़ लिया, जगत की सूचना मिली, जिसने दी वो रद्दी हो गया। क्या हो गया? रद्दी की नहीं, सूचना मिली वो क्या हो गया बाद में? रद्दी। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, रामचरित मानस हो, श्रीमद भागवत हो, या हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ है वो, उनको जब हम पढ़ते हैं उनमें संपूर्ण समाचार जगदीश से संबंधित है, कोई जगत से संबंधित नहीं है। किससे है? जगदीश से संबंधित है। और जगत शब्द भी आया है तो ये लिखा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्यों लिखा है कि नहीं लिखा है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को तो मिथ्या बता दिया। प्यारे, पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर रद्दी हो गया, और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ग्रंथों से सिद्धि प्राप्त हो गई प्यारे, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने से सिद्धि मिलती है, पेपर को पढ़ने से रद्दी। अंतर आया कि नहीं आया? हम भगवान से जुड़ेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त होंगे, बोलो होंगे कि नहीं? और जगत से ज्यादा जुड़ेंगे तो जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतने रद्दी
उतने ही रद्दी। अच्छा, संसार के लोग भी कहते हैं जब ज्यादा लोग संपर्क में रहते हैं ना लोगों के, तो फिर लोग कहते हैं अरे यार उससे बात मत करो, वो तो रद्दी आदमी। क्यों भाई, कहते कि नहीं उससे ज्यादा मतलब को क्यों नहीं रखो, अरे वो रद्दी है, खोपड़ी खराब करता है, रद्दी, यही कह देते हैं लोग। तो वो संकेत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीधी सी बात, हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। हम जगत का विरोध नहीं कर रहे हैं, जगत तुलसीदास के मत से जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सीय राम में सब जग जान, सीय राम में सब जग जान, सीय राम में सब जग जान, मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं जगत में ही रहता हूं, लेकिन जिसे भी देखता हूं सीता राम के रूप में देखता हूं। बोलो ये है दैन्यता, ये भाव क्या है? दैन्यता। यहां भरत जी महाराज सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो युद्ध करने के लिए श्रृंगवेरपुर के लोग आ रहे हैं उनमें भी भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं, है नहीं? चलो ये भी भगवान के हैं, और हैं ही भगवान के, क्योंकि भगवान ही के पीछे तो ये युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। बूढ़े ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, युद्ध नहीं करना है, संवाद करना है भरत जी से। निषाद राज जी ने कहा ये बताइए कि संवाद हम करें और कहीं अस्त्र शस्त्र से दूर हो, संवाद करें और विवाद की स्थिति बन जाए तो कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए, इसलिए हम राजा हैं, हमें विचार करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। हम जाएंगे तो भरत के पास, लेकिन इंतजाम करके जाएंगे। उस बूढ़े ने कहा कि पहले आपने क्या सोचा है, कौन सा इंतजाम करके जाएंगे, आप अपना बताइए ना, विचार बताइए कि आप क्या इंतजाम करके जाएंगे। निषाद राज ने कहा कि हमारे साथ में हमारी सेना तो होगी, हम बातचीत तो करेंगे लेकिन सुरक्षा के लिए सेना होगी। उस बूढ़े ने कहा पहले ये बताइए राम भक्त हो कि नहीं? हाँ राम भक्त तो है, तो राम पर विश्वास कर रहे हो कि हथियार पर विश्वास कर रहे हो, पहले ये बताओ। राम पर विश्वास कर रहे हो कि हथियार पर विश्वास कर रहे हो, किस पर? अगर राम भक्त हो, राम पर विश्वास है, तो मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला, इसलिए अस्त्र शस्त्र ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर जा रहे हो, संवाद करने जा रहे हो, तो फल फूल ले जाओ। देखो कितना बढ़िया सुझाव है। क्यों भाई, बातचीत करने जा रहे हो तो क्या बंदूक लेके जाओगे? फल फूल लेके जाओ, क्योंकि बातचीत करने जा रहे हो ना, संवाद करने। और जो राम के गुरुदेव हैं वो भी तो पधारे हैं। अरे श्री राम का इतना स्वागत किया है, जब राम का गुरु आया है तो यही भाव होना चाहिए कि हम गुरु के सामने जाएं तो विशेष स्वागत करें। तो स्वागत की सामग्री ही है फल फूल, बोलो है कि नहीं?
इसलिए मेरा सुझाव यह है कि अस्त्र शस्त्र नहीं, श्री राम जी पर विश्वास करो। श्री राम रक्षा करने वाले हैं।